रबदास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम दे विच कांची टीवी नूं देखण वालिओ तुहानूं सारिआं नूं बड़े प्यार सत्कार अदब दे नाल जीआं नूं तुहाडा निघा स्वागत कीता जांदा। अज दे इस प्रोग्राम दे विच सब तो पहला मैं बेनती कर देवां कि आप जी तो खेमा दा जा चुका, कुछ हफ्ते आप जी तो गायब रहा, कुछ सेहत ना ठीक होण करके, ते हुण गुरु की कृपा हुई है आप जी दे कोल उन्हां ही रहबरां दे महापुरशां दे सतपुरशां दे सतगुरुआं पीरां फकीरां दे बचन, उन्हां दे उपदेश, उन्हां दे जीवन दीआं लीलावां लैके हाजिर होया हाँ। अज दा प्रोग्राम तुसीं पिछे देख रहे हो सरूप उदासीन महान महापुरश दुनिया दे उत्ते दुनिया नूं जगत जलंदे नूं तारन वाले साहिब सतगुरु नानक देव जी महाराज जी दे वड्डे साहिबजादे श्री 108 बाबा श्री चंद जी। कुछ दिन पहले उन्हां दा जन्म प्रकाश दिहाड़ा लंघ के गया, दास उन्हां दिनां विच गैर हाजिर रहा, पर मेरी जिंदगी दी ख्वाहिश सी कि जिवें मैं हर हफ्ते महापुरशां नूं नमस्कार करदा, उन्हां दी जिंदगी दे विच उन्हां दे उपदेशां दे विच उन्हां दी बाणी बचनां दे विचों कुछ पल्ले पै जावे बड़ी तांग रहिंदी है कि उन्हां महापुरशां दे चरणां विच शरदा दे फुल भेंट हुंदे रहिण ते जिंदगी दा आत्मा दा मन दा इशनान हुंदा रहिंदा। इस प्रोग्राम दे विच अज मेरे नाल बैठे ने, मैं एक बेनती करदे हां प्यासे नूं किते खूह मिल जावे जां खूह दिस भी पवे ते तसल्ली हो जांदी है कि मैं आस दे लागे पहुँच गया। भुखे नूं किते रोटियां जां लंगर जां तपदी लोह दिस पवे ते अद्धी भुख उदों मिट जांदी है। ते सर्दियां दे विच भावें किते दीवा ही नज़र आ जावे ते निघ आउणा शुरू हो जांदा है। ते गुरु दे प्यारिओ ओ दिन हुंदे सी जदों असी तरसदे हुंदे सी कि समाज दे विच सानू भी अपने रहबरां दे किते गीत सुणन नूं मिलणगे। आ कन्नां नूं तांग रहिंदी सी कोई किते अपना प्यारा भी सानू अपने प्रीतम दी कोई गल सुणाऊगा। अज भाग जागे ने, बाणी दी किरपा होई है, महापुरशां दी किरपा होई है, उन्हां रहबरां दी किरपा होई है, सतगुरु रविदास माई सतगुरु स्वामी वाल्मीकि जी उन्हां रहबरां दी किरपा होई है जिस समाज नूं इह गल्लां तों वांझे रखिया जांदा सी। पर उह आशीर्वाद दा वी बाणी वी कदी खाली नहीं जाणी, वाह वाह वाणी निरंकार है जिस जेवड अवर ना कोई, ते जे बाणी जिहदे वर्गा है ही नहीं निरंकारी रूप है ते उहदे बचन किदां फिर झूठे हो जाणगे। ते उह बचन नीचे ऊच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, ये झूठे नहीं हो सकते। मैं पहले बाणी दी तुक बोली है, जे बाणी निरंकार दी है ते ये बचन भी निरंकार दे जिहड़े निरंकार नाल मिले हुए ने। सो गुरु प्यारिओ अज मेरे नाल जिन्हां गल्लां नूं असी बड़े ही बेसबरी दे नाल उड़ीकदे सी, साडे कोल अज लिखारी भी बहुत वधिया ने, उन्हां रहबरां दा इतिहास लिख रहे ने जिन्हां रहबरां नूं कोई पुछदा नहीं सी, इतिहासां नूं अणगोले कीता जांदा सी। अज कलम भी आ गई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जे उन्हां कोल कलम आई सी ते उन्होंने सरबत दे भले लई कलम लिखी, उन्होंने अपने भले कल्या नहीं लिखी, सरबत दे भले लई। जे अज किते साडियां बीबियां भैणां नूं बराबर दे अधिकार मिले है ते कल्ले गरीबां नूं नहीं मिले, अमीरां नूं भी मिले। बाबा साहब दी कलम एक लई नहीं चली, बहुतियां लई चली है, सारी दुनिया लई। जय गुरदेव जी। धन गुरदेव जी, अंकल जी चली बोलदा जी। चली जी, जय गुरदेव जी। वीर जी इटली वालों जी आ नूं ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ जी महाराज ठीक ठाक हो? पहला तो मेरे परिवार वालों पूरी इटली की संगत वालों नानी तेन दी संगत वालों बाबा श्री चंद जी के जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारक सारे संसार नूं जी जी। बाकी साडा ब्रदर बैठा, बहुत तुहाडी मेहरबानी आ तुसीं इन्हां नूं मौका दिता आउण दा इत्थे,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਬਾਜੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਚੱਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5000 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਉਸ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਤਾਰਾਂ ਰਾਗ ਲਾ ਲਓ ਤਾਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਧੁਨੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 7 ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਸ ਨੇ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਰ ਡੀ ਸਾਗਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਪ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਡਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤਖਲਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2-3 ਮੈਂ ਗੀਤ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਲਾਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜੱਲੋਵਾਲ ਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਲੋਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੰਸਰਾਜ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਦੌਲਤੀ ਰਾਮ ਚੰਨੂ ਰਾਵਣਾ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਸੀ 72-73 ਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸੁਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੀਤ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰ ਡੀ ਸਾਗਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਜੀ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰ ਡੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕਰੜਾ ਨੂੰ
मैं इन्हां दे माता पिता का धन्यवाद करदा जिन्होंने इन्हूं इहो जिहे वधिया संस्कार बचपन तो दिते है। गुरु की समाज की बाणी की संत महापुरशां की सेवा विच बच्चा मेरा वीर जुड़िया आ। हुसला जी तुहानू वी जी आखदे आ। आओ गुरु दे प्यारिओ, तुसीं पहले गीत सुने सी बाबा जी दे, मैं बाबा जी दे बारे थोड़ी जिही गल्लां करनिया चाहुंदा। सतगुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी, इतिहास बहुत कुछ दसदा 1494 ईस्वी दे विच इन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा होया, प्रकाश होया जी। और सतगुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे भैन जी जिन्हां बेबे जी कहिंदे, बीबी नानक, बीबी नानक जी, बाबा श्री चंद नूं एक पुत्तर करके जी प्रेम दिता, पालिया पोछिया। और गुरु दे प्यारिओ, बाबा मेहता कल्याण दास जी और इहदे नाल दादी गुरु दे प्यारिओ बीबी माता तृप्ता जी, पिता सतगुरु नानक देव जी, माता सत्कार जो माता सुलखनी जी। और कहिंदे आ वी जदों इन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा, इतिहास दसदा मैं कोलों नहीं गल ला रहा, इतिहास दसदा बहुत तरह तरह के इतिहास, अगर एक रैब नूं मैं पढ़ा तो 15-20 तरीकां मैनूं जन्म दियां ही पता लग जांदियां जी, पर मैं वह तरीक लैके आउंदा जिहड़ी मेजोरिटी हुंदी आ, और वह तरीक लैके आउंदा जिहदे विच कोई सच होवे, जिहड़ी लॉजिकली तौर ते किते टुक वी होवे। सो गुरु दे प्यारिओ, इन्हां दा नाम बाबा श्री चंद दा नाम, इन्हां दे जिहड़ा पुरोहित बाबा नानक देव जी दे घर दे विच जिहड़ा कोई आउंदा जांदा सी, महापुरश ला लो जां कोई पुरोहित ला लो जां इन्हां दे घर दा कोई वडेरा ला लो, बाबा हरदयाल जी उन्होंने इन्हां दा नाम रखिया। और इन्हां दे चेहरे नूं देखदे आ कह तक बड़ा तपस्वी होवेगा, बाल ब्रह्मचारी होवेगा, जति सती होवेगा, तपी त्यागी होवेगा, अते उदासी भेख विच सतगुरां दी इकट्ठी हुई बाणी दा प्रचार करेगा। और उहदे नाल गुरु दे प्यारिओ, ब्याह तो बाद इन्हां नाल इन्हां दी कोई शादी नहीं हुई, क्योंकि शुरू तो ही लै के ये उदासीन गद्दी दे विच गए ने। ये नहीं कि उदासीन गद्दी दे विच शादियां नहीं हुंदियां, पर बाल ब्रह्मचारी होए ने। और इन्हां दे भाई साहब लखवी चंद जी छोटे भाई साहब जिहड़े गृहस्थी सन, उन्हां दे लड़के धर्मदास नूं जिस चमत्कार दे नाल इन्हां ने लियांदा, कहिंदे आकाश चों लियांदा 20 योजन लंबी वाह करके ये इतिहास दस रहा। सो मैं एक गल करदा ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਗੱਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਸੀਗਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 17 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ 19 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
मैनू नहीं पता क्यों सतगुरु नानक देव जी के इस महान सपुत्र नू जिन्हें सतगुरां दा पहला उपदेश मनिया कि नाम जपो। सतगुरु नानक देव जी दी बचना नू मानदिया होया भैरव राग पंजवीं पातशाह ने लिखिया पन्ना नंबर 1136 दे उत्ते आउंदा है नानक कहे घर केवल नाम। ते बाबा श्री चंद जी ने भी नाम जपया 151 साल की उम्र दसदी कई तो थोड़ी उम्र दसदे है पर इतिहास दसदा 151 साल बाबा जी ने चौकड़ा जी खोलिया नाम ही जपया ते जपाया आप जपो अब हा नाम जपाओ। पहले तो मैं लोगों उन्होंने कहण वाले कह रहा कि बाबा जी का कहिंदे कहना नहीं मन्निया तां इन्हां गद्दियां नहीं मिलियां। तो मैं गद्दी की गल करदे हाँ जो गुरु अर्जन देव जी अजे 1.5 साल दे सी ते सतगुरु अमरदास जी दी मंजी दे कोल पलंग दे कोल चले गए ते जो टपुसियां मार मार के गुरु अर्जन देव जी 1.5 साल दे गुरु अमरदास जी दी मंजी ते बहना चाहते हैं तो इदा हाथ मार रहे हैं तो गुरु अमरदास जी कहिंदे आ कहिंदे सानू पता लग गया तेरी है ये तेरी है माफ करना मैं गल कह रहा तेरी है दोहता बाणी का बोहता दिंदिया होया ते 1.5 साल दे विच इदां दी उन्होंने पर उपकार कर दिता सतगुरु ने अमरदास जी ने गद्दी लई आशीर्वाद देती ते उदों कि सेवा कीती सीगी मैं जवाब दे रहा उन्होंने लोगों भी इन्होंने कहना नहीं मन्निया कहना नहीं जी सच ते इन्हां नूं गद्दी नहीं दित्ती गई। फिर कहिंदे वंस ते मैं बाणी दे विच ही आप जी नूं कह दिया बे सतगुरु नानक देव जी दा वंश जे बाणी नूं लै लवां 300 वंश 300 पिता 300 माता जिन जन जने जिस वंश दे विच पैदा होए है सतगुरु नानक देव जी दे अज इन्हां नूं माड़ा कहण वाले तुसीं वंश नूं क्यों माड़ा कह रहे हो जिस महान गोदी दे विच खेडे उन्हूं तुसीं माड़ा क्यों कह रहे हो। फिर एक गल होर आ जाओ मंदा चंगा गुरु अर्जन देव गुरु अंगद देव जी दे पुत्रां दातू ते दासू ने तीसरी पातशाह दे कहिंदे लत्तां मारियां मैं नहीं कह रहा इतिहास दस रहा पर इन्हां ने तां किसे दे लत्तां नहीं मारियां इन्हां तां बंदगी कीती है। फिर पिरथी चंद ने सतगुरु अर्जन देव जी नूं तत्तियां तवियां ते बिठाउण वास्ते की कुछ नहीं कीता। फिर धीरमलिया ने धीरमल ने जेड़े कि वह भी सतगुरु हरगोबिंद साहब जी के परिवार में ही हैं धीरमल जी उन्होंने तो बाणी की बीड़ नहीं दी गुरु गोबिंद सिंह जी ने पर इन्होंने तो बाणी का प्रचार किया। बस मैं ये गल्लां दसण करके गुरु के प्यारिओ आओ कदी भी बिना सोचे समझे जे तुहाडे कोल इन्ना ज्ञान जे दिता भी है ना काले लिखना लेख फरीदा जे तू अकल लतीफ जे तू बहुत सियाणा हो गया काले लिखना एवं ना जबड़ियां मारी जा अपने गिरिवान में कि तू बाबा श्री चंद जी वर्गी बंदगी कर ली इन्हां तो बड़े चमत्कार है कि तू सतगुरु नानक देव जी दे वंश विचों तेनू कितने भाग मिल गया गुरु दे प्यारे इन्हां चीज़ां नू देखदिया होया मैं अज सतगुरां दे चरणां विच श्रद्धा दे फुल भेंट करदा समुचे संसार नूं सतगुरु नानक देव जी दे वड्डे साहिबजादे उदासीन गद्दी और बाबा सतगुरु अर्ज सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी माज दे वड्डे साहिबजादे बाबा गुरदत्ता जी इन्हां दी झोली विच पए गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ही इन्हां दे शरण विच लै के गए कहिंदे 6 महीने रह के आए उन्हां दे कोल जाके इन्हां नूं भेंट कीता है बाबा श्री चंद जी नूं बेमारी ने कहा भी तुहाडे किन्ने पुत्र कहिंदे जी आ तुहाडे सामने आ 4 पुत्र कहिंदे साडा किहड़ा कहिंदे जिहड़ा जी करदा कहिंदे जिहड़ा भी बाबा गुरदित्ता जी नूं भेंट करता कीर्तपुर साहिब बाबा गुरदित्ता जी इन्हां नूं उदासीन गद्दी चलदे है ते अज उस ही गद्दियां दे विच उदासीन गद्दियां निर्मले साधु निहंग धीरमलिए बहुत सारी संप्रदायियां चलदियां उदासीन गद्दी ने। मैं एक बेनती कर दिया संत श्री 108 बाबा श्री चंद जी दे संप्रदाय दे विचों ही जेकर अज श्री हरिमंदर साहिब दे विच इशनान करन वास्ते सरोवर च जाने आ तो वह इन्हां दे सेवकां विचों ही
संत बाबा संतोख दास जी, संत बाबा प्रीतम दास जी ने 700 साधुओं नू नाल लैके 35 मील लंबी हंसली जिन सूआ कहिंदे ने नहर छोटी लिया के श्री हरिमंदर साहब दे च पानी पाया सी। ते पहला निशान साहब भी इन्हां महापुरशां ने चाड़िया। और इत्थों तक मैं गल कह दिया ते जेड़ा पहला सी जिन्ने बिच उत्थे श्री हरिमंदर साहब दे विच कुकर्म हुंदे सी उन्हां नू भजाउण वाले भी यही संत महापुरश सी। आओ गुरु दे प्यारो, इन्हां ने इन्हां महापुरशां ने समुचे संसार नू बाणी दे लड़ लाउण लई नाम दे नाल जोड़न दे लई इन्हां ने उपदेश दित्ता है। बाकी दियां मैं बाद च गल्लां करांगा। आओ गुरु दे प्यारो, बाबा जी नू अज मैं समुचे संसार नू बधाईआं दिंदा इन्हां दे जन्म दिहाड़े दियां। और आस करते हैं कि असी महापुरशां के चरणों के विचों कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। आओ वीर जी, मैं आप जी नूं तुसीं अगे भी कंच टीवी ते आ चुके हैं, मेरे सत्कार जो बीबी भैन जगदीप जी, साढ़े बहुत वैल ट्रेनड अजी तै भी हाँ जिन्हां ते बड़ी कृपा, वो हर हफ्ते दो तीन प्रोग्राम करते हैं और बड़े बड़े फनकारा बड़े बड़े कलाकारा इंटरव्यू भी करते हैं। तो वह खुद भी इस गल काफ़ी रुचि रखते हैं। तो मैं तो इधरली रुचि का घट्टे पता, मेरे को जो तुक कित बाणी की आ जाए वो कित पढ़ ली दी सुन ली दी। तो आओ तो कोई भी अज के इस मौके के उत्ते दुनिया में कोई उपदेश जिदा इन्होंने सुनाया बे भाई नाम जपो बन सको किरत करो पर उपकार करो दान पुन करो दुनिया का दिल ना दिखावो चंगे काम करो और ताइयों ही इस शरीर की कितने गिनती मिनती होनी है। तो इदा का तुहाडे कोल कोई वचन हैगे आ ते मैं आप जी नूं सुनना चाहुंदा, संगत आप जी नूं सुनने वास्ते तैयार है। पहले आप कॉल ले लई। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। हैलो। हाँ जी जय गुरुदेव जी। प्रोग्राम चौंकी जी बहुत वधिया दिता बाबा श्री चंद जी दे प्रथाए जी। बाबा श्री चंद जी दे बारे हुण मैं होर नहीं दसना क्योंकि तुसीं दस्सदा मैं रिपीट नहीं करना चाहुंदा। जी जी। एक गल करनी चाहुंदा कि इन्हां दी गद्दी दे ही वार सन जिहड़े बाबा कृपाल चंद जी, बाबा कृपाल दास जी जिहड़े भंगाणी दे युद्ध दे विच जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे धर्म युद्ध जदों लड़िया गुरु जी ने जी उन्हां ने शहीदी पाई आ के हयात खान नूं बाबा कृपाल दास जी ने इन्हां दी गद्दी दे उत्तराधिकारी सीगे। सतनाम। हाँ जी। वो जरा डेरा है ना बाबा कृपाल दास जी का जी, वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बिस्तर नाट पर जिक्र किया होया जी। बाबा कृपाल दास जी ने सोटा मार के हयात खान के सर विच एदा भन्या हयात खान का सर जिदा कृष्ण मखणी वाली चाटी पाता हूं जी जी। आप भी शहीदी पा गया तो हयात खान भी जरनैल भी मार लिया सी। उन्होंने थान जेड़े जरा जो मैं जाके इस थान पौंटा साहब जाना हर बार दर्शन करके आता इतने बाबा हरभजन सिंह जी बैठे से बड़े प्रेमी से मित्र से मेरे जी। इस उदासी संपदा इन्हों की बहुत बड़ी जी सेवा यह है कि जिन्हें विखड़े समया के बेच सरकार हल हल कर दी गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप लभदियां फिर कि गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप मिल जाए असं उन्होंने तहस नहस करिए। इस उदासी संपदा की यही सेवा थी जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब के सरूप हम साढ़े तक सुरक्षित आ पाए गए आ उदासी संपदा ने ही संभाले सी। इन्हों की इस संपदा का पंथ ऋणी या दे नहीं दे सकता। बस मैं बाकी तुसीं दस दिता इन्हों बारे बाबा श्री चंद जी बारे महान तपस्वी सतगुरु सच्चे पातशाही के लगते जेकर प्रजंत से हो कोट कोट प्रणाम उन्होंने जन्मदिन में अपने रंधावा जी भी रंधावा जी बड़ा कोई होर कहण नूं पर समा थोड़ा अपने कोल रंधावा जी हाजरी कबूल करो वाहिगुरु जी का खालसा धन्नवाद जी की फतेह। बस इसे करके मैं गल कहना भी सतगुरु नानक देव जी महाराज जिन्होंने दुनिया नूं तारिया उन्होंने घर कोई किदां दा पैदा होया होगा जी किहो जी रूह आई होगी असीं उन्होंने भी माड़ा बोलने तो नहीं हटते। यदा मतलब गल तो सीधी
कहिंदियां ना भी तुहाडे को न्याणे तां संभाल नहीं होए जिन्हें सारे जगह सारी दुनिया नूं मक्के जाके भी बिहार जा दुनिया का कोई कोना छड्या नहीं 40,000 मील 49,000 मील चलिया ठीक है तो लोगों उपदेश दे के इन्ना सोहनी जिंदगी जीण का चज सिखाया तो कि वह अपने बच्चों भी मैं समझ लगती भी साढ़े जे किसी ढाई जमात आदि भी है जे दो तुका आदियाँ भी है जे कि बाजे तो सुर रख का कि चज आ गया वह इन्होंने महापुरशों के प्रति जिन्हों महापुरशों के कितने उन्होंने प्रकाश धारण किया सीधी तुम सतगुरु नानक देव जी वालू उंगल करते जो सतगुरु अपने बाबा श्री चंद के प्रति तुम माड़े लफ्ज बोलते हैं आओ मैं ज़्यादा समय नहीं लेंदा हूँ थोड़ा ही समा जी महाराज धन्यवाद जी ये जी दुनिया सिर्फ मंगना ही आती है पर जो महापुरश होंगे वो रेंदे दुनिया तक अमर रेंदे ने जी जी 108 श्री बाबा श्री चंद जी श्री बाबा चंद जी दे गुरपुरब दियां सारियां संगतां नूं लख लख मुबारकां धन्नवाद जी ते उन्हां दा इक जिहड़ा भजन सारी दुनिया मरदी है संत नहीं मरदे फकर नहीं मरदे साध नहीं मरदे सारी दुनिया मरदी है संत नहीं मरदे फकर नहीं मरदे सारी दुनिया मरदी है संत नहीं मरदे फकर नहीं मरदे संत बनना सौखा नी मोह जग तो तोड़ना पैंदा संत बनना सौखा नी मोह जग तो तोड़ना पैंदा संतां दा मतलब है जो रब दी रज़ा दे विच रहिंदा संत रब ना जोड़ देने अपना जोड़ देने बाणी सतगुरु दी है पढ़ते सारी दुनिया मरदी है संत नहीं मरदे पत्थर नहीं मरदे सारी दुनिया मरदी है संत नहीं मरदे पत्थर नहीं मरदे ओ आग लगी आकाश को ओ जर जर पैन अंगारे आग लगी आकाश को जर जर पैन अंगारे संत ना होते जगत में ओ संत ना होते जगत में जग मरता संसार सारी दुनिया मरदी है संत नहीं मरदे पत्थर नहीं मरदे सारी दुनिया मरदी है संत नहीं मरदे पत्थर नहीं मरदे कठन है ओ लोका पानी खेले ओ पीखो कीनी कठन है ओ लोका पानी खेले चुगा फूक करके अपना चुगा फूक करके अपना ओ साहेब नरने सारी दुनिया मरदी है संत नहीं मरदे पत्थर नहीं मरदे सारी दुनिया मरदी है संत नहीं मरदे पत्थर नहीं मरदे सो गुरु जी प्यारियो आज पहला नराता मैं इहदा प्रोग्राम अगले हफ्ते लैके आवांगा नराते की हुंदे ने साल च किन्नी वारी आउंदे ने भावें के नरातियां दे प्रति बाणी ते सब को कहिंदी है जी हर त्योहार चो कोई सिख लैणा चाहीदा है जी मनाओ जी लेकिन मनाउण लग्या होया इह देखो उसके पॉजिटिविटी की है नैगेटिव नहीं मैं अगले हफ्ते प्रोग्राम देवांगा अज पहला नराता तो जे मैं सतगुरु नानक देव जी दे वड्डे साहिबजादे
संत अपने बाबा श्री चंद जी ने, बाबा श्री चंद जी अज नमस्कार कन्न मारे बैठा, अज इन्हां दी चलाई हुई गद्दी, अज इन्हां दी चलाई हुई उदासी संपर्दाय। वैसे इतिहास दसदा ब्रह्मा दे मानसिक पुत्र, ब्रह्मा दे कई पुत्र, मानसिक पुत्र इतिहास दसदा बे उदासीन गद्दी तो सनक सनंदन तो चलती कहिंदे बाबा श्री चंद दे जे हिस्से आई है जे भेख उदासी का ला के गुरु नानक देव जी ने करतारपुर बाबा श्री चंद देता, इन्होंने हुक्म की पालना की थी, ते नाम जपया ते जपाया चंगेरे कर्म करके ते अज लखां करोड़ां लोग उदासीन गद्दी दे विच बैठ के बाणी का प्रचार कर रहे हैं। माफ करना आ मैं संत बीर रमदास जी नूं जे मैं पछाण लवां, रंधावा जी तुसीं प्रोग्राम सुन रहे हो, तुहाडे पिंड नूं भी उदासीन गद्दी दे महापुरश रिखी ठाकर दास जी दी बड़ी ही मेहरबानी आ, तुहाडे पिंड नूं बड़ा माण बख्शिश होया आ हरिपुर नूं। सो गुरु दे प्यारो ये उदासीन गद्दी नूं यही बरकतां ने। संत उदासीन बीर रमदास जी जी जिन्होंने सतगुरु गोबिंद सिंह के भी दर्शन हुए ने जी, वह भी इस विच ही है। एक गद्दी नहीं, मैं इन्हां दे चार तूणे ने, अखाड़े ने, ब्रह्म बूटा भी इन्हां दा ही है जी। सो एक नहीं, फिर जेकर इन्हां महापुरशां ने दुनिया दे विच इन्ना बाणी का प्रचार किया, नाम का प्रचार किया, इन्हां ने किसी नूं औगणहारा तो बनाया ही नहीं, बिल्कुल किसी रूप में भी है। जे इन्होंने मान लिया ना भूति मिल गई, जा कहिंदे इतिहास दसदा भी जो तो पैदा होए सी इन्हां दे कन्न दे विच एक मुंदरा सी, इन्हां दीआं सोने दीआं जटावां वांगू जिदा लिशकदीआं होईआं सी, भूति मली होई सी। चलो मैं इधर नहीं जाना, इतिहास दे विच बहुत सारी चीज़ां इतिहासक भी होंदीआं जी, इतिहासक भी होंदीआं जी। मान लिया भी इन्हां दे जिहड़े इह देह सी जिदा दी भी सी, लेकिन सतगुरु नानक देव जी दे घर प्रगट होए ने ते किहो जी रूह होएगी। मैं मस्कीन जी नूं सुन रहा सी, वो कहिंदे आ बे किसे नूं मानस दा जन्म मिलन वास्ते भली कुख मिल जावे ते जे माता सुलखणी वर्गी भली कुख किहदी हो सकदी है, माता कलसा वर्गी, माता त्रिपता वर्गी, और माता गुरु दे प्यारे गुजरी वर्गी, जा माता गंगा वर्गी, ये जिन्हों के मैं नाँ लै रहा ठीक है, ये किन्हां नूं कुखां मिल सकदियां जिन्हां दे कोई पिछले चंगेरे भाग ने, जिन्हां दे अंदर कोई पिछले संस्कार ने, जिन्हां दे उत्ते ओह मेहरबान है जिहड़ा ओह टुट्टे होया, तो इदां दियां भलियां कुखां मिलदियां ओह रब दे वास्ते, ओह जिहियां भुलियां कुखां जिन्हां नूं मिल गईआं उहनां दी जिंदगी 'च कोई उपदेश लैणा चाहीदा। मैं अगले गीत वल आवां जी। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ जिन्हें विदेशों विदेशों में बसते हुए साढ़े समाज के चंगी सोझी रखने वाले सारों, मैं बड़ा तह दिल तो शुकराना करदा हाँ साढ़े शौंकी साहब जी का, जिन्हों के कोल बैठना एक अपने आप माण वाली गल है, तो साढ़े प्रमोटर सोमथिंद जी जिन्हों की बदौलत मैं अज इतें बैठा वा, तो साढ़े माही मिठापुरिया जी जिन्हें भी मेरे राइटर वीर है। तो शौंकी साहब मैं एक मन के एक मेरी सोच होंगी सी जी कि दुनिया से बड़े साहित्यकार आए, बड़े गीतकार आए, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव शौंकी साहब जी, सिमक जी अपने साथियों भी जय गुरुदेव कहते हैं जी, धन्यवाद करते हैं सेवादारा का, तो महापुरशा श्री चंद बाबा जी श्री चंद उन्होंने प्रगट देते हैं, लख लख बधाइया देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रभु परमात्मा की भगती करने, प्रभु परमात्मा बनाने लिए कोई भी थानू जो स्पैशल भेस नहीं बनाना पैंता, आप अपने ढंग तो ही प्रभु परमात्मा का नाम सिमरन कर सकते है। तो देख लो उन्होंने भी काफ़ी जिदा है सेवक होए आनी भी जाने कि गुरु नानक जो है प्रभु परमात्मा की बाणी का ही प्रचार किया है, लोगों सीधे पास लाया है। तो कोट कोट प्रणाम करते हैं ऐसे महापुरशों जिहड़े भी आपां सीधे पासे लाउंदे हन। तो एक बार फिर तुहाडा कांशी टीम दा सारा दा धन्नवाद, जय गुरदेव जी, धन्नवाद। हाँ जी फैशन साहब, दुनिया ते उंगल चुकनी जिहड़ी ओह हर एक बंदा उंगल चक लैंदा, नहीं हुण तां रवाज ही है ना। हाँ जी हुण तां रवाज आ के हुण तां फैशन उंगल चुकना। हाँ जी बड़े बड़े महापुरशां नूं गुरु मत साहिबां नूं लोकां ने बख्शिया ते आपां कौण हुंदे आ, ते साडे इलाके दे माण मत्ते
गीतकार मास्टर मलूक चंद जी पागल यादले वाले ते जिन्हां मैं छोटे हुंदे नूं सुनिया ते उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े लोग उन्होंने सोंगा गाँव पर किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं कराया जी। बस एक तो गीत सुना दो अपने को ते मेरे दिल में बड़े सुकून वाला जी। चार मिनट है दुनिया भी जाती है बंदे छड़ जा कोई निशानी छड़ जाना वादानों आखिर बिछड़ जान गए माली एक गल वखरी है ओ कहंदे चमन होण ना खाली मर के भी मरदे नहीं सूरा भगत तीसरा दनी ओ दुनिया पे जांदी है अपनिया छड जा कोई निशानी दुनिया पे जांदी है अपनिया छड जा कोई निशानी तू छड जा कोई निशानी दुनिया ते पैसा है दुनिया ते पैसा है जेड़ा पुन ते पाप करांदा पैसा भेजे नरकानू पैसा भेजे नरकानू पैसा सुरगा विच पसांदा पैसा मार बदांदा है पैसा मार बदांदा है पैसा करदा बंदे दी हानी दुनिया पे जांदी है अपने आशक जा कोई निशानी दुनिया पे जांदी है बंदे छड़ जा कोई निशानी तू छड़ जा कोई निशानी पैसे नाल रुकना नहीं पैसे नाल रुकना नहीं आना अंत बली दा ताना कल्ला तू आया सी कल्ला तू आया सी हुण कल्लिया ने तुर जाना लखां दा हो के वी लखां दा हो के वी पैसे जाणी नहीं तवानी दुनिया पे जांदी है बंदिया छड जा कोई निशानी दुनिया पे जांदी है बंदिया छड जा कोई निशानी तू छड जा कोई निशानी ये भी एक सेवा है ये भी एक सेवा है कल जनता नाल हम लड़नी मर गए आंदे मगरों भी मर गए आंदे मगरों भी दुनिया याद हमेशा करनी पागल ने रहना नहीं हलूक चंद ने रहना नहीं मगरों भजन गाण गए ज्ञानी दुनिया पई जांदी है बंदिया छड जा कोई निशानी दुनिया पई जांदी है बंदिया छड जा कोई निशानी तू छड जा कोई निशानी वाजिबा निशानी बाबा श्री चंद जी निशानी छड़ के ने उदासीन संप्रदाय आज जिन्ने भी महापुरुष ने बाणी दे नाल नाम दे नाल जोड़ रहे ने बाबा जी नू फिर नमस्कार अगले हफ्ते ए मेरे वीर आर डी सागर जी अमृतवाणी रविदासिया कम्यूनिटी सेंटर दे उत्ते इसे ही संप्रदाय विचों बल्लां दे मोढ़ी बल्लां डेरे दे मोढ़ी संत बाबा पिपलदास जी का ज्योति जोत समाए पुरब अमृतवाणी रविदासिया कम्यूनिटी सेंटर से मनाया जाना पार्क रोड उत्ते आओ बड़ी श्रद्धा के नाल उत्थे भी इन्हों अगले हफ्ते सुनिए तुहाडा बहुत बहुत धन जी ब्रेक तो बाद मिलना धन गुरदेव।